बैक फ्रेंड्स, तो चलिए इस बड़े से फाइकस में हमने जो लगाए थे राइस ट्यू, क्योंकि हमें स्टिमुलेट करना था सब एरियल रूट्स को, तो वो सब निकालते हैं और देखते हैं कितने एरियल रूट स्टिमुलेट हो पाए हैं। और पहले भी मैं 2-3 एरियल रूट को स्ट्रॉ दे दिया है मैंने, पर जो भी रिमेनिंग है उन सबको स्ट्रॉ देके उसमें हम सॉइल भरने वाले हैं। तो चलिए ये निकाल के देखते हैं कितने रूट्स जनरेट हुए हैं। देख सकते हैं राइस ट्यू हटा लिया है और इतने ज़्यादा तो नहीं, बट रूट जनरेट हुए हैं। देखिए ये सब ये छोटे छोटे रूट है दोस्तों, जिसको हमें अब सहारा देना होगा स्ट्रॉ से। ये देखिए इतनी ही रूट थी पहले ये सब पिछले साल, और उसको इस तरह से 6 रूट को हमने सहारा दिया था। तो ये पिछले हफ्ते ही मैंने लगाया था स्टो और ये बड़ा होना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ भी पिछले हफ्ते ही लगाया था और इसकी थिकनेस मोटी होना शुरू हो गई है। तो इस तरह के बहुत सारे रूट्स निकले हैं, कुछ सबको कुछ कुछ तो नीचे पहुँच चुके हैं। ये देखिए तो रिजल्ट मिला है। तो हर साल ऐसा करेंगे तो ये प्लांट धीरे धीरे करके एरियल रूट से भर जाएगा। तो जितनी स्टो दिख रही है इतनी इससे भी ज़्यादा स्टो हमें लगानी है आज, और कुछ निकालेंगे पिछले साल वाली। चलिए उसको केवल ब्लेड से काट देना है धीरे से और उसको खींच लेना है। तो चलिए मैं कुछ स्ट्रो लगाने की प्रोसीजर कर लेता। स्ट्रो निकालने के लिए कोई कटर या इस तरह की ब्लेड ले ले, बहुत सावधानी लगती है क्योंकि हाथों में लग सकता है, और इसी तरह से काटते हुए नीचे आ जाना है। रूट तो कटेगा नहीं क्योंकि थोड़ा मोटा है, तो इसी तरह से काट लेना है। बहुत सावधानी रखनी है, कटर हो तो अच्छा रहता है, नहीं तो कटने की संभावना बनी रहती है। किसी तरह नीचे तक काट ही देना है उसको, फिर तो सिंपल है, उसको निकाल लेना है बस। ये निकल आया, देखिए इतने ज़्यादा लंबे स्ट्रो नहीं मिलते दोस्तों। ये देखिए ये स्ट्रो मैंने यहाँ से जुड़ा है, तो सभी स्ट्रो एक दूसरे से छोटे बड़े आते हैं तो एक दूसरे में चले जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये कटा नहीं है एंड में, तो इसी तरह से इसको मुझे नीचे से निकालना होगा, उसको भी यहाँ से काटना है। तो इसी सिंपल तरीके से हमें स्ट्रो निकाल देना है। देखिए ये रूट रेडी है। तो इस तरह से कुछ और रूट्स है जिसकी स्ट्रो में निकाल रहा हूँ, बाद में देखते हैं कैसे लगाते हैं। ली है स्ट्रो, ये देखिए, बट स्ट्रो बहुत ही शॉर्ट आते हैं, स्मूदी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप उसे कह के जो प्लास्टिक पार्सल वाला जो रखता है उसके पास मिल जाएगी। उन सबको जोड़ना होता है दोस्तों, हाइट के हिसाब से कितनी हाइट पे है, इस तरह से एक दूसरे में चले जाते हैं। ये थोड़ा बड़ा है मेरे ख्याल से, सॉरी। तो इस तरह से चले जाएंगे एक दूसरे में। अगर ऐसे मुश्किल होती है तो उसको क्रॉस कट करना होता है, वो भी देखते हैं। स्ट्रो को इस तरह से काट के क्रॉस कट कर लेना है, और बाद में हम बड़ी आसानी से इसमें दूसरा स्ट्रो दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 या 3 भी लग सकते हैं हाइट के मुताबिक। यहाँ ऊपर तक जाना है हमें, देखिए ये हाइट, यहाँ ऊपर से एक रूट को नीचे लाना है, तो यहाँ एक और या थोड़ा सा और भी ज़्यादा लग सकता है, वो लगा देना होता है। तो ऊपर 3-4 इंच तक तो हमें ले ही जाना है, और ज़्यादा अंतर है तो एक छोटा सा शॉर्ट स्ट्रो लगेगा, तो एक स्ट्रो आधा कर लेंगे और उसमें लगा देना होता है कुछ क्रॉस में कट, तो एक दूसरे में जल्दी से ये चला जाएगा। और बड़ी आसानी से और संभाल के जो भी रूट है उसको उसमें इंसर्ट करना होगा इस तरह से।
बहुत ही स्मूथली हैंडल करना है, क्योंकि ज़रा से भी ज़्यादा जर्क लगा तो ये रूट अलग हो सकता है मेन स्टेम से। तो ये प्रोसीजर पहले भी की हुई है, और एज अ सेफ्टी वायर पिछली बार का रीयूज कर लेते हैं, उसको यहाँ से बांध लेस या कैसे भी अटकाना है स्ट्रोक को। जैसे तो बोनसाई प्लांट को हैंडलिंग करते वक्त वो ज़्यादा हिले डुले नहीं, तो आप केवल इसमें मिट्टी भर देनी है। तो चलिए, मैं इस यहाँ से बांध लिया है स्ट्रोक को, बाद में हम यहाँ सोइल भरेंगे। तो चलिए, इसी तरह से मैं सभी स्ट्रो लगा लेता हूँ। कुछ ज़्यादा रूट की शाखाएँ हैं तो उसको काट के भी हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, अगर सही से नहीं जा रहा है तो हमें उसको काट लेना है और उसको अप्लाई कर देना है बाद में इस तरह से। स्ट्रो थोड़ा सा संभालना है, नहीं तो इजीली काम हो जाएगा। दोस्तों, हमने देखा दोस्तों कि स्ट्रो कैसे लगाते हैं, और उसमें मिट्टी भर देनी है, और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, यानी फ्री फ्लो होनी चाहिए नमक की तरह, और वो सीधे हमें इंसर्ट कर देनी है स्ट्रो में। जैसे कि मैंने भर लिया है, सभी स्ट्रो भर लिया है, हो सके ज़्यादा हिलता डुलता हो तो स्ट्रो को बांध लेना है। और याद रखें दोस्तों, ऐसे ही कोई रूट नीचे नहीं पहुंचता। ये देखिए, इसी तरह की रूट्स थी जो मैंने पिछले साल बांधी थी, और इस तरह का रिजल्ट मिला है। ऐसे नहीं करता तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, याद रखें। तो जब मॉनसून के दौरान कुछ रूट्स निकलती है तभी स्ट्रो देंगे तो वो भी मुरझा जाती है और रिजल्ट नहीं देता। इस साल मैंने ट्राई किया था, तो इस तरह की जो सूखी हुई होती है, कुछ कुछ ग्रीन रहती है, इसमें स्ट्रो लगाना होता है, और बाद में ही ये ग्रो करेगी इस तरह से। ऐसे ही लगाने से कोई ग्रो नहीं होगा। ये कुछ और भी बाकी रह गई है, कुछ स्ट्रो और भी लगाने हैं, मेरे पास ख़त्म हो गए हैं तो लाने होंगे मुझे। तो ये ज़रूरी है दोस्तों, अगर एरियल रूट को नीचे पहुँचाना है तो अप्लाई तो करना ही होगा। और कैसे मिट्टी भरनी है उसके लिए मेरा दूसरा इसी प्लांट के साथ वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर किसी को वैसे भरना तो सिंपल ही है, बट किसी को और नहीं पता है तो वो देख सकते हैं उस वीडियो पे जाके, जिस इसी प्लांट का वीडियो है पिछले साल का, या किसी और के प्लांट के साथ हो सकता है, बट जानने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, स्ट्रो लगाना ज़रूरी है। बिना स्ट्रो के कुछ एक दो तो ग्रो हो ही जाएंगे। सीजन के दौरान अगर बढ़ जाते हैं प्लांट के रूट्स तो हो सकता है ये ऐसे ही ग्रो हो चुका था, ये रूट इसी साल प्रोड्यूस हुआ और नीचे ज़मीन के नज़दीक था तो हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, ये पहले से था, इसी रूट के साथ ग्रो हुआ पिछले साल का, और ये देखिए ये भी बढ़िया हो गया है। और यूँ कहे कि ये भी एक एरियल रूट ही था पहले जब मैंने लगाया था प्लांट हार्वेस्टिंग करके। तो कुछ लोग कहेंगे रिवर्स टेपर होता है, तो होने दीजिए दोस्तों, फाइकस में वही होता है और होने ही देना है, वही फाइकस का कैरेक्टर है। जब एरियल रूट होता है तो वो रिवर्स टेपर भी आएगा, बस हमें ब्रांचों में ध्यान रखना है, अनवांटेड ब्रांचें ना रह जाए, और एरियल रूट के बिना उसको बरगद का रूप देना, वही उसका मजा है दोस्तों, वो ही उसका लुक है। तो चलिए, मिलता है किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।